हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर हम रात को सोते समय बालों की थोड़ी सी भी केयर कर लेते हैं तो बालों से जुड़ी हुई सभी टाइप की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। सोते समय सिर्फ स्किन केयर ही नहीं बल्कि हेयर केयर भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। हम सभी के लिए एक हेयर केयर रूटीन होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको हेयर फॉल, डैंड्रफ, बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम, या तो आपके बाल काफ़ी कमज़ोर हैं, पतले हैं, मतलब कि ए टू जेड सभी तरह की प्रॉब्लम्स से निजात मिलती है अगर हम थोड़ी सी भी केयर कर लेते हैं अपने बालों की। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने हेल्दी हेयर के लिए हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं उनके लिए। ये आपको गंजा भी बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सोने से पहले आपने क्या क्या करना है जो कि आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा और आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सोने से पहले बालों में ऑयलिंग करनी है, तेल लगाना है। इससे आपके बालों को, आपके हेयर को ज़रूरी पोषण मिलता है जिससे बालों का झड़ना, डैंड्रफ की प्रॉब्लम, बालों का सफ़ेद होना, सभी टाइप की प्रॉब्लम दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें कि आपने ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी है, जितना आपके बालों को ज़रूरी है उतना ही लगाएं और ये वीकली आप एक से दो बार लगाएं। बालों में ऑयलिंग करने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी बेहतर हो जाता है जिससे कि बालों की ग्रोथ काफ़ी बेहतर हो जाती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आप रात में ऑयलिंग करते हो और अगले दिन सुबह में शैम्पू करोगे तो आपके बाल भी काफ़ी सॉफ्ट लगने लगते हैं। और हाँ, आप इस बात का भी खास ध्यान रखें कि रात में सोने से पहले जब आप ऑयलिंग करते हो तो उससे पहले आप अपने बालों को सुलझा लें। अगर आप रोज़ाना ऐसा करोगे तो बालों का झड़ना काफ़ी कम हो जाएगा जिससे कि आपके बाल उलझेंगे नहीं और वो टूटेंगे भी नहीं। और बालों को सुलझाकर सोने से नमी बनी रहती है जिससे कंघी करते वक्त बाल नहीं टूटते हैं आपके। हेयर सीरम भी आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। सोने से पहले बालों में हेयर सीरम जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके जो दो मुहे बाल हैं उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसके अलावा बालों में रूखेपन की प्रॉब्लम को दूर करता है और साथ ही साथ बालों में सीरम का यूज़ करने से ये बालों की शाइन को भी बरकरार रखता है। और रात में सोने से पहले हेयर सीरम लगाकर ढीली चोटी कर ले और सो जाए, या तो फिर आप ढीला बन भी बना सकती हैं जो कि आपके बालों को नेचुरल कर्ल लुक देगा और साथ ही साथ बालों को उलझकर टूटने से भी बचाएगा जो कि आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि आप जब भी रात में सोते हो तो आपके बाल गीले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गीले बाल ज़्यादा लचीले होते हैं जिसकी वजह से इनके टूटने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और गीले बालों में सोने से ये पिलो से रब होते हैं और टूटने लगते हैं, इसलिए सोने से पहले आप अपने बालों को अच्छी तरह से सुखा लें और उसमें ऑयलिंग करके फिर उसको लूज बांध लें, चाहे छोटी कर लें या बन बना लें, और उसके बाद सोए, जो कि आपके बालों को हेल्दी रखेगा और आपके बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ में ही काले रहेंगे। क्योंकि अगर आप अपने बालों की अच्छी तरह से केयर करोगे, हेल्दी रखोगे, तो वो जल्दी सफ़ेद भी नहीं होंगे, झड़ेंगे भी नहीं, टूटेंगे भी नहीं और डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यानी कि आप मान लीजिए कि ये ए टू जेड प्रॉब्लम्स का एक ही उपाय है कि आप अपने बालों की अच्छी तरह से केयर करें और साथ में ही हेल्दी डाइट लें। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सजेशन है या आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दे सकूँ। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ ताकि आपके पास हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं आपसे न्यू अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।